अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INKU। तो आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो एक नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन के आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाहदत कलोनी लाहौर जो है उनकी तरफ से जारी किया गया है, और ये 28 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव अफीसर हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के पंजाब में उनकी तरफ जारी किया गया, और डिस्ट्रिक्ट केयर हेड्स जो हैं पंजाब के अंदर उनकी तरफ जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है कि 3 दिन की ट्रेनिंग 3 डेज़ ट्रेनिंग जो है वो जो गवर्नमेंट स्कूल में से नॉमिनेटेड टीचर्स हैं टीचिंग ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान नाजरा, होली कुरान नाजरा के हवाले से 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक जो है ये है उनके बारे में, और इसकी जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है और कब ये 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो सुनिए नाजरीन, नाजरीन इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, या मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग जो है वो 36 अज़ला में जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर जो कैद है उसने प्लानिंग की हुई है कि वो 3 दिन की ट्रेनिंग करवाएगा नॉमिनेटेड जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर नाजरा कुरान मजीद पढ़ाने के हवाले से ट्रांसलेशन के हवाले से यह वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और इसमें फिर ये होगा कि जो ट्रेनिंग होगी ये स्टार्ट कब होगी, ये पंजाब के तमाम अज़ला में होगी, और ये 9 मई 2022 जो है इससे स्टार्ट होगी। बैचेस इसके होंगे मुख्तलिफ, और ट्रेनिंग जो है ये तहसील लेवल पे भी कराई जाएगी, और कम से कम 2 क्लासेस विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए कम से कम 2 क्लासेज हैं उनका अहतमाम किया जाएगा, तो और ट्रेनिंग जो है ये 8 बजे स्टार्ट होगी नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर पे तहसील लेवल पे, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो हैं नॉमिनेटेड पब्लिक स्कूल टीचर्स की वो जिनकी ट्रेनिंग करवानी होगी MTs ने वो डाउनलोड जो है वो की जा सकती है कैद अटेंडेंस पोर्टल से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कैद हेड्स जो हैं उनको जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे, वो तरतीब देंगे ट्रेनिंग कंडक्शन के हवाले से मुतल्लिका अज़ला में, और CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो जो ट्रेनिंग और MTs हैं पब्लिक सेक्टर से तो उनको जो है वो रिलीव किया जाए उनके स्कूल से, और 100% जो है उनकी शिरकत जो है उसको यकीनी बनाया जाए ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के दौरान SOPs हैं COVID-19 के उनको जो है वो स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व किया जाएगा, और क्लास स्ट्रेंथ जो है वो 30 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए, और समाजी फासला जो है वो भी बरकरार रखा जाना चाहिए। तो मज़ीद इसमें क्या कुछ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कोर्स कोऑर्डिनेटर DL जो है उसके सिग्नेचर हैं 28/4/2022 के, तो फिर इसकी कॉपीज़ जो हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड की गई हैं। तो ये आज के अपडेट का नोटिफिकेशन था जो कि आया तो चंद दिन पहले है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से शेयर ना हो सका, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अब भी मैं ये शेयर कर दूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और कमेंट कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।